अब पूजा करते करते कितने साल बीत गए, पूजा करने की हिस्ट्री कितने साल की है हमारे पास, 2500 साल की हिस्ट्री हमारे पास मौजूद है प्रूफ प्रमाण सहित, और एक धर्म की नहीं सभी धर्मों की हिस्ट्री मौजूद है पूजा की। वो पूजा करते करते नीचे गिरे हैं या सृष्टि ऊपर उठी है, सृष्टि और ही नरक बनती गई है या स्वर्ग बनती गई है, है? नरक बनी, दुनिया नरक बनी या स्वर्ग बनी? तो आंख खुल जानी चाहिए ना। आदमी एक बार धोखा खा जाए फिर दोबारा धोखा न खाए, उसको कहते हैं इंसान शान में रहने वाला। और जो बार बार धोखा खाता रहे, बार बार पूजा करना, बार बार नीचे गिरना, अरे 400 साल पहले मनुष्यों के शरीर कैसे होते थे, 400 साल पहले हमारा आत्मा रूपी बीज पावरफुल था। तो महाराणा प्रताप की जो तलवार म्यूजियम में रखी हुई है वो हम लोग उठा नहीं सकते, इतने हृष्ट पृष्ट और सुंदर लोग हुआ करते थे, 400 साल के अंदर की बात है। और अभी देखो गाल चुपक्की होते जाते हैं, शरीर कैसे बनते जाते हैं, पेट मोटा हो जाता है, टांगे थर थर चलती हैं। ऐसा कोई देवताओं का चित्र देखा, देवताओं की ऐसी मूर्तियां कोई देखी, आंखों में कितना आकर्षण होता है, चेहरे में कितना आकर्षण होता है, उनका आत्मा रूपी बीज पावरफुल था, वो बैटरी भरी हुई थी, वो आत्मा रूपी बैटरी भगवान बाप जनरेटर ने आकर के चार्ज की थी राजयोग से। अभी फिर बाप आया हुआ है, हम बच्चों की आत्मा रूपी बैटरी चार्ज कर रहा है, इसलिए बाप कहते हैं बच्चे भक्तों की तरह बंद आंखें करके मत बैठो। कैसे बैठो है? खुली आंख करके बैठो, ऐसा ना हो कि भगवान बाप आए तुम्हारी बैटरी चार्ज करने के लिए, तुम बंद आंख करके बैठ जाओ तो शक्ति मिलेगी है? आत्मिक शक्ति नहीं मिलेगी। वो भगत लोग यही सिखाते हैं, बंद आंख करके बैठो, अगर बंद आंख करके नहीं भगवान की याद में बैठेंगे तो बुद्धि इधर उधर भटक जाएगी। अरे बच्चा जब माँ को याद करता है, बाप को याद करता है, माँ जब बच्चे को याद करती है तो आंखें बंद कर लेती है क्या? करती है? आंखें बंद नहीं करती ना, याद तो करता है ना, तो वो असली याद है। जो आंखें बंद करके बैठते हैं वो नकली याद है। तो भगवान की याद हमको असली करनी चाहिए या नकली करनी चाहिए? असली याद करनी चाहिए। बाबा जो मुरली नहीं सुनता हो, वो मुरली क्लास करता है ना, मुरली सुनता, तो पहले तो उसको बुद्धि में ये बात बैठी नहीं है कि मुरली है क्या चीज और सुनाने वाला कौन है। मुरली तेरी में जादू जो कहा जाता है, शास्त्रों में लिखा है तेरी मुरली में जादू, गोपियों के ऊपर जादू कर दिया। जो गोपियां देवात्माएं बनने वाले हैं, गोप गोपियां दोनों, वो जादूगर आया कौन है उसका परिचय पूरा नहीं मिला है। जब पूरा परिचय मिल जाता है तो भूलेगा कैसे? जिससे प्यार पैदा हो जाता है उसकी वाणी अच्छी लगती है। माँ को बच्चे से प्यार होता है, तोतली तोतली बातें
बेफालतू की बोलता है, कुछ अर्थ होता है क्या? लेकिन वो माँ को वो बातें कितनी अच्छी लगती है, बच्चे की बातें सुनने में उसको बड़ा मजा आता है। तो ऐसे भगवान बाप भी सृष्टि पर आता है, बूढ़े ब्रह्मा तन में आकर के पोपली पोपली भाषा में बोलता है, दुनिया के लोग नहीं समझ पाते हैं, वो ही मुरली है। तो पहले परिचय होना चाहिए कि भगवान बाप है क्या चीज। जब परिचय पूरा मिलेगा तो उसकी वाणी सुनने का ललक पैदा हो जाए। और सूर्य से गणपत, चंद्रमा से गणपत, तो सज्जो क्या तो मनुष्य क्या से जान जात के पूर्णमा को गणपन के चंद्रमा को गणपन पन्ने मान। लोग कैसे जान जाते हैं? हाँ, वो ज्योतिष विद्या है, जिस विद्या में गणित है एक प्रकार का, वो गणित लगाते हैं सितारों की स्थिति देख करके, ग्रहों की स्थिति देख करके, और उस गणित के आधार पर उनको पता लग जाता है कि ग्रहण पड़ने वाला है। वो है स्थूल ग्रहण। स्थूल सूरज और स्थूल चंद्रमा के ऊपर ग्रहण पड़ता है, और हम बच्चों के ऊपर माया राहु का ग्रहण पड़ता है। किसका ग्रहण पड़ता है? माया राहु का ग्रहण। माया किसको कहा जाता है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। जब ग्रहण पड़ता है तो पहले से हमें पता चलता है कि नहीं? मान लो कोई ज्ञान में चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है, आज चल रहा है, कल से पता लगता है कि उसकी सगाई पक्की हो गई कहीं, उसने स्वीकार कर लिया मैं सगाई करूंगा, भले हमें बताए या ना बताए, हमें तो मालूम पड़ गया। तो उसके ऊपर माया का ग्रहण पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? और तो पड़ेगा, तो हमने गणित लगा लिया। कोई सूर्य की तरह पुरुषार्थ करने वाली आत्माएं हैं, कोई चंद्रमा की तरह पुरुषार्थ करने वाली आत्मा है। चंद्रमा ठंडा है, ठंडा पुरुषार्थ करता है, सूरज गर्म है तो गर्म पुरुषार्थ करता है। और बाबा, हाँ जी, गांव के लोग बाप बोलते हैं कि तुम ध्यान में चलते तो तुम्हें भगवान ले जाए और हमें फटे को। गाँव के लोग कहते हैं तुम ज्ञान में चलते हाँ, तुम्हें भगवान ले ले, हमारा हमें छोड़ देंगे। तो तुम उनको कहा करो कि भगवान बाप ने हमको वरदान दिया है कि तुम बताओ कि भगवान बाप ने हमको वरदान दिया है, खास हमको दिया है कि हम खुद भी जाएंगे भगवान के साथ, और साथ साथ हमारे जो घर परिवार के भांति हैं उन एक एक को ले जाएंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। तुम उनको अच्छी बात बताओ। अरे कोई तुम्हें उल्टी बात सुनाए तो तुम अच्छी बात सुनाओ ना। तो अच्छी बात सुनाओ कि भगवान बाप ये कहते हैं, न मानो तो हम तुम्हें भगवान बाप की लिखी हुई जो वाणी है माउंट आबू की ब्रह्मा के मुख से सुनाई हुई, उस वाणी में छपा हुआ रखा है कई साल पहले का, वो हम तुम्हें दिखा सकते हैं कि भगवान बाप तो तुम्हारे लिए इतनी अच्छी बात बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? कि तुम्हारे परिवार का एक भी भांति अगर ज्ञान में चलता है तो पूरे परिवार का उद्धार करेगा। इसलिए 21 पीढ़ी का उद्धार गाया हुआ है शास्त्रों में। जो आत्माएं ज्ञान में चलने वाली हैं वो एक पीढ़ी का उद्धार नहीं करती, अनेक पीढ़ियों का उद्धार कर देती है। और हाँ जी, गौतम ऋषि की नाय ने पत्थर के किला को मनाने की, गौतम ऋषि ने अहिल्या नाय ने पत्थर की किला को मना दिया है। कोई स्त्री पति की स्त्री है, और पति की स्त्री होते हुए भी
कोई दूसरे पुरुष के साथ कुकर्म करे और पति देख लेगा तो उसने तो पत्थर की ही बना दी थी। यहाँ तो आज की दुनिया में खप से मार ही देते हैं। वो पत्थर की शिला नहीं बनाई थी, उन्होंने बोल दिया, शाप दे दिया, तुम पत्थर बुद्धि बन जाओ। ऐसी पत्थर बुद्धि बन जाओ कि भगवान इस सृष्टि पर आ जाए तो भी तुम्हारी पत्थर बुद्धि में भगवान की बातें न बैठे, तुम भगवान बाप को न पहचान पाओ। ऐसी बुद्धि तुम्हारी पत्थर बुद्धि बन जाए। तो वो शिला पत्थर बुद्धि बन गई। अहिल्या, उसका नाम क्या रखा? अही, अही माने सांप, लिया माने लिया। उसने क्या किया? दुनिया से कोई सांप जैसी विषैली आत्मा को पकड़ लिया और ले आई। गौतम ऋषि ने पकड़ लिया। अरे कोई स्त्री है, अपनी पति की निगाह बचा करके किसी सर्प जैसे विषैले आदमी को पकड़ के ले आए, कामी कुत्ते को, तो ये अच्छी बात है खराब बात है? घर में ले आए तो पति को गुस्सा नहीं आएगा? उन्होंने तो सिर्फ मुख से साप ही दिया, क्या मार तो नहीं डाला, साप दे दिया। क्या बन जा? पत्थर बुद्धि बन जा। तो वो भी कल्याणकारी, पत्थर बुद्धि बन गई। फिर भगवान के चरण लगे तो उद्धार हो गया। तो भगवान के बुद्ध रूपी पांव जब टच हो जाएंगे तो ऐसी पत्थर बुद्धि अहिल्याएं, कुबजाएं, वैश्याएं, उनका भी भगवान आकर के उद्धार कर देते हैं। और बाबा ज्ञान में चलते हैं और सर्प क्यों दिखाते हैं बाबा? ज्ञान में चलते हैं, सर्प दिखाते हैं, सर्प दिखाते, सांप दिखते हैं, सपना सपने नहीं, ये दैत्य दिखाते हैं, सामने दिखते हैं बाबा जहाँ जहाँ। अच्छा ज्ञान में चलते हैं, उन ज्ञान में चलने वालों को सांप दिखाई पड़ते हैं? पूर्व जन्म में कोई ऐसे काम किए हैं क्या जो सांप जैसी विषैली आत्माएं बार बार सामने पड़ जाती है? वो रील अभी घूम रही है क्या? अभी 84 जन्मों की शूटिंग हो रही है, 84 जन्मों की रिहर्सल हो रही है, 84 जन्मों के संस्कार आत्मा में भर रहे हैं। तो कोई जन्म में हमने सांप जैसी कामी आत्माओं का संग किया है, उनके चंबे में हम फंसते रहे हैं। अभी हम भगवान बाप के बन गए तो वो हमसे हिसाब किताब लेने आएंगे कि नहीं आएंगे? बार बार हैं आ रहे हैं, तो आ रहे हैं, तुम उनको भगाते रहो। वो बार बार सामने आए तो मुंह फेर लो, दूसरी तरफ देखो, बाबा को याद करो। वो तो सांपों को कंट्रोल करने वाला है। कृष्ण भगवान के लिए क्या दिखाते हैं कि उन्होंने सांप के फनों के ऊपर डांस किया। क्या किया? डांस किया, उनके मुंह में से खून निकल रहा था। विष्णु के लिए क्या दिखाते हैं? सांपों की शैया के ऊपर आराम से लेटा हुआ है। नहीं तो रात में सोते समय कहीं सांप आ जाए और हाथ पड़ जाए तो आदमी आधा बेहोश हो जाता है। और वे सांपों जैसी आत्माओं की शैया बना करके उनके ऊपर आराम से लेटे हुए हैं, माने उनको भी बश में कर लिया। विष्णु भगवान भक्ति मार्ग में तो ढेर के ढेर भगवान है ना? भक्ति मार्ग में एक भगवान मानते हैं कि ढेर के ढेर मानते हैं? ढेर के ढेर मानते हैं। शंकर भगवान उनके गले में पड़े हुए हैं, सर के ऊपर है, बाजू में, बगलों में पड़े हुए हैं,
कमर में पड़ा हुआ है, माने पांचों विकार उनको घेरे हुए हैं। कमर में काम विकार का सांप, इस बगल में क्रोध विकार का सांप, दूसरी बगल में लोभ विकार का सांप, गले में मोह की फांसी, सांप दिखाते हैं ना, तो ऊपर है वो अहंकार का सांप। तो पांचों प्रकार के सांप उनसे लिपटे हुए हैं, लेकिन उनकी स्थिति क्या है? वो घबराते हैं क्या? है घबराते नहीं है, क्योंकि जानते हैं हम तो विष पी जाएं तो भी हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, तो इन सांपों का असर पड़ेगा क्या? पड़ेगा? पड़ ही नहीं सकता, तो वो तो निश्चिंत बैठे रहते हैं। जैसे चंदन होता है वृक्षों में, श्रेष्ठ वृक्ष सुगंध वाला कौन सा होता है? चंदन। उसके लिए गायन है, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे ते रहते भुजंग। चंदन के वृक्ष में सांप चारों तरफ उसमें लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन का वृक्ष विषैला बनता है क्या? सर्पों का संग का रंग लगता है क्या? नहीं लगता। तो ऐसी शंकर जी की स्थिति है। हम ज्ञान में तलब थे, हम आग लगा के जल गई, हम आदूस लगा दो 5 लाख रुपया लगवा। ये ड्रामा बना हुआ है, 5000 साल का ड्रामा है, और हम सब एक्टर हैं। हमारी आत्मा क्या है? हम आत्मा रूपी एक्टर हैं, जन्म जन्मांतर अलग अलग चोले शरीर रूपी वस्त्र ये धारण करते हैं और पार्ट बजाते हैं। तो पूर्व जन्म में जो हमारे कर्म हैं, वो इस जन्म में आकर के उदित हो जाते हैं। तो कोई भूत प्रेत आत्मा प्रवेश कर जाती है, वो अकाले मौत कराती है। तुम दुखी क्यों होते हो? जब भगवान बाप तुमको मिला है तो तुम्हारा दुख क्यों? किस बात का दुख? गांव वाले लगा है, तुमको चिपक जाता है क्या? लगा रहे तो तुमको चिपका हुआ है कुछ? दिखाओ तो, खड़ी हो। जो तुमको लगाया कुछ चिपका हुआ है? गांव वाले ग्लानी करते हैं, गांव वाले ग्लानी देते हैं, वो तुमको चिपक जाती है क्या? चिपकती है? क्यों होता है दुख जब तुम्हें भगवान बाप मिला है? गांव वालों को नहीं मिला है और तुम्हें भगवान बाप मिला है, तो तुम्हें खुशी होनी चाहिए या दुख हो जाता है? हैं? हम धरते रहेंगे ध्यान पे। तो अपने ध्यान में रहो ना। हम तो तमाम ध्यान लगा। हाँ, इसलिए दूसरों के ऊपर ध्यान मत लगाओ, दूसरा क्या कहता है, क्या करता है। जो जो कुछ करता है अपने लिए करता है, जो करेगा सो पावेगा, ग्लानी करेगा तो ग्लानी पावेगा, सुख देने की बातें करेगा तो सुख पावेगा। यहाँ तो भगवान बाप ने तुमको सिखाया हुआ है, सबको सुख दो, जो दुख देने वाले हैं उनको भी क्या दो? है सुख दो, सुख दो, सुख लो। ये भी बता दिया कि अगर दुख देंगे तो अंत समय में दुखी होकर के मरेंगे। सब बात खत्म हो जाती है। हाँ बोलो बाबा। हम भट्टी गए थे, हम उधर से लौटे थे तो हमारे घर वाले सब भग गए थे, दीवानी जेठानी सुकार भग गए थे। तो तुम ज्यादा जबरदस्त पड़ती होगी तो वो भग गए। उन्होंने सोचा ये कोई जादूगर सीखने, जादूगरी सीखने गई है, पहले ही इतनी भालंग थी कि हम इससे डरते थे, अब तो पता नहीं कौन सी बड़ी जादूगरनी होके आएगी, इसलिए वो भाग गए। तो तुमने बुलाया नहीं?
अगर तुम्हें पता चल गया है तो बुला लो। अच्छा महीने भर में आ गए। अच्छा अच्छा तो ठीक है, तुम्हारे परिवार वाले हैं ना। बाबा ने कहा तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा, तो आज भल नहीं समझ रहे हैं, कल समझ जाएंगे। हाँ क्या किसने भगवान जमुना जी में गेंद लेने गए थे तो सही है कि गलत? जमुना जी ने कृष्ण को दी थी गेंद लेने। हाँ तो वो बेहद बेहद में क्या बेहद में क्या है? भगवान एक है या अनेक है? और भगवान निराकार है या भगवान साकार है? जब आत्मा ही निराकार है तो आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा निराकार होगा या साकार होगा? अरे लंबा लंबा सांप है तो उसका बाप लंबा होगा या बिंदी होगा? लंबा ही होगा। हाथी मोटा ताजा दुलदुला है तो उसका बाप मोटा ताजा ही होगा ना। तो हमारी आत्मा बिंदी है। अरे बिंदी लगाते कि नहीं लगाते? पुरुष टीका लगाते हैं, आत्मा यहाँ टिकी हुई है, इसकी निशानी है टीका। तो ये तो जानते हैं कि हम आत्मा हैं। तो जब जान गए तो अब पक्का करो ना कि आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा सूक्ष्म ज्योति बिंदु निराकार है। वो इन आंखों से दिखाई नहीं देता, वो कृष्ण नहीं है, वो राम नहीं है। राम कृष्ण हनुमान गणेश ये सब नाम बनाए हुए हैं। भगवान एक होगा अनेक होगा? एक है, वो अनेक रूप धारण नहीं करता। भगवान जो है वो एक व्यापी बन करके आता है बाप के रूप में वर्षा देने के लिए। एक को याद करना सहज है या अनेकों को याद करना सहज है? हाँ? कोई पति पत्नी है, पति पत्नी से क्या चाहता है कि हमारी पत्नी मुझे एक को याद करे या अनेकों पुरुषों को याद करे? वो तो यही चाहेगा कि पत्नी एक को याद करे, मेरे को याद करे, और किसी को याद ना करे। तो भगवान बाप तो पतियों का पति है, तो वो एक रूप में आवेगा या अनेक रूप धारण करके आवेगा? अनेक रूप धारण करके आएगा तो पहचानोगे या एक रूप धारण करके आएगा तो पहचानोगे? एक रूप धारण करके आएगा दुनिया में तो पहचान में आ जाएगा। हाँ अनेक रूप कभी इसमें कभी उसमें कभी उसमें कभी उसमें, तो पहचान में कैसे आएगा? बाबा एक आत्मा हम सब आत्मा आ गए, एक आत्मा नहीं निकल पा रही, बहुत घबरा रही। अमृत वेले सवेरे को उठ करके उस आत्मा को बाबा की याद में सर्च लाइट दो, जैसे टॉर्च की रोशनी फेंकी जाती है। बाबा की याद में बैठो, कुछ मेहनत करो, शिकायत न करो। सवेरे को उठती हो, अमृत वेले याद में बैठती हो? बैठती हो, झूठ बोलोगे कौआ काटेगा। बैठती हो, याद आती है? कैसे याद करती हो बताओ? ज्योति बिंदु आत्मा को याद करती है, बाप को नहीं याद करती है? तो बाप कैसे याद आता है? बच्चों को ज्ञान देता है। वो देखने में कैसा है? हाँ बाबा दिखा दिया है। याद में नहीं दिखा तो जो याद में दिखता है सो बता दो ना, कैसा दिखता है? आप जैसे दिखा, हमारे कोई भैया बंधु थोड़े ही भगवान। भगवान हमारे कोई भैया बंधु ना है ना, हम जुड़वा बच्चे हैं भगवान के। जुड़वा बच्चे होते हैं तो एक जैसे दिखाई पड़ते हैं। बाबा शंकर जी के सर पे चंद्रमा क्यों दिखाई नहीं? चंद्रमा सर के ऊपर क्यों दिखाया है? बैठो,
शंकर जी के लिए बताते हैं कि उन्होंने क्या पिया, विष पी लिया। विष बहुत तीखा होता है या मीठा होता है, बहुत कड़वा होता है, बहुत तीखा होता है और बहुत गर्म होता है। विष कैसा होता है? विष में बहुत गर्मी होती है, इतनी गर्मी होती है कि शास्त्रों में दिखाया है विष्णु और ब्रह्मा और सब देवताएं और सब राक्षस घबराने लगे जब सागर में से विष निकला। हाहाकार करने लगे तो शंकर जी ने वो विष इकट्ठा करके पी लिया तो उनके गले में कितनी गर्मी आ गई होगी बताओ? गर्मी आएगी कि नहीं आएगी? और जब गले में गर्मी आएगी तो सर में चढ़ेगी कि नहीं? तो चंद्रमा को लाके बैठा लिया। चंद्रमा ठंडा होता है कि गर्म होता है? तो चंद्रमा आके बैठ गया। तो शंकर जी ने ये युक्ति निकाली, क्या वो गरम गरम कहीं यहां ना आ जाए, मर जाएंगे ऐसे ही। तो गंगा जी को बैठा लिया और चंद्रमा को बैठा लिया। गंगा जी का पानी भी ठंडा, चंद्रमा ठंडा और जो चंद्रमा है वो भी ठंडा। भक्ति मार्ग में जो दिखाते हैं कोई रिलेशन रिश्तेदार संबंधी है जैसे, तो उसको टीका करते हैं बाबा है? पैसे का तो कोई 11 रुपए करते हैं, 21 रुपए, तो मतलब ये 1 रुपया मतलब इसकी यादगार बेहद में क्या है बाबा? हाँ, मैंने 10 रुपया सीधा नहीं करेंगे, 50 रुपया सीधा नहीं करेंगे, 100 रुपया सीधा नहीं करेंगे, 1000 नहीं करेंगे, है जी। 1 रुपया बढ़ा देंगे, 51 कर देंगे जी, 101 कर देंगे, 1008 कर देंगे, एक बढ़ाते जरूर हैं, हैं? तो ये ऐसे ही है जैसे कोई गुरु शिक्षा देता है तो सारी शिक्षा जब दे देता है तो शिक्षा देने के बाद अंतिम बात रह जाती है जो शिक्षा पूरी नहीं होने देती, वो है दक्षिणा। क्या? दक्षिणा। तो ये एक जो दिया जाता है वो दक्षिणा है। क्या? वो जब तक एक नहीं रखा जाएगा तब तक पूर्ति नहीं होगी। 100 की पूर्ति कब होगी? जब एक दाता जो एक है वो भी रखो। 10 की पूर्ति कब होगी? जब उसके साथ एक दाता है वो भी रखो। बाबा सावन मुझे राखी पहनेंगे, है रक्षाबंधन। बाबा सावन आता है जो महीना है उसमें रक्षाबंधन मनाते हैं बाबा, है तो उसकी यादगार बेहद में पूछ रहे हैं। श्रावण के महीने में जब पानी बहुत बरसता है, तीन ऋतुओं होती है ना, बरसात, सर्दी और गर्मी, तो भगवान बरसात के दिनों में आता है ज्ञान की बरसात करने के लिए। ज्ञान जल की बरसात भगवान आकर के करता है तो उसमें जो श्रावण का महीना होता है खूब बरसात जब होती है बुद्धि में ज्ञान तरोताजा बैठता है लोगों को, तो भगवान बाप आकर के बड़े से बड़ा ब्राह्मण बनता है, माने ब्रह्मा की औलाद कोई बच्चे में प्रवेश करता है, ब्रह्मा की औलाद पहला ब्राह्मण, उसको नाम दिया है शास्त्रों में सनत कुमार। उस सनत कुमार के नाम से हमारे धर्म का नाम पड़ता है सनातन धर्म, जैसे बुद्ध से बौद्ध धर्म, क्राइस्ट से क्रिश्चियन धर्म, मोहम्मद से मुस्लिम धर्म, ऐसे ही सनत कुमार के नाम से हमारे धर्म का नाम क्या पड़ा? सनातन धर्म। तो वो पहला ब्राह्मण है, बड़े से बड़ा ब्राह्मण, जो ब्राह्मण आकर के उसके मुख में परमात्मा प्रवेश करके सब बच्चों को
राखी बांधता है, रक्षा करने की राखी, कि अपवित्रता से तुम अपनी रक्षा करो। ये रक्षा बंधन में हम तुम्हें बांधता हूँ, इस बंधन में बंधो, बंध करके रहो, भाई बहन बनो। क्या जैसे भाई बहन के ऊपर कुदृष्टि रखता है तो बहुत खराब माना जाता है। अरे बोलने दो, वो अपने को नहीं रोक पा रही है। हाँ बोलो। क्या चलाते हैं? ताजी मुर्गे की राख। मुर्गा मुर्गे मुर्गा 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 ताजे मुर्गे की। हाँ शंकर जी भस्म क्यों रमाते हैं? हाँ ये भक्ति मार्ग में जो भगत लोग हैं वो सब स्थूल काम करते हैं। क्या असली काम जो है वो भगवान बाप आकर के सिखाते हैं। भगवान बाप कहते हैं कि मैंने आकर के सिखाया था कि तुम अपने देह अभिमान को, काम करो, क्रोध को, लोभ मोह अहंकार को राख बना दो, मार दो। देह अभिमान को मार दोगे तो राख बना देने के बाद वो पैदा ही नहीं होगा। नहीं तो लोग समझते हैं कि अगर राख को हम ले जा करके गंगा में नहीं बहाएंगे, तर्पण नहीं करेंगे तो वो भूत प्रेत बन जाएगा। तो उसकी राख भी न रह जाए काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अर्थात देह अभिमान की, वो देह अभिमान की भस्म बना दो, जला दो। भगवान जिस तन में प्रवेश करते हैं उसका भी नाम रखते हैं शंकर, वो भी ये काम पहले करता है। क्या करता है? अपने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो देह अभिमान है वो सारा क्या करता है? भस्म कर देता है। तो भक्तों ने वो बात तो समझी नहीं, क्या करना शुरू कर दिया। जो भगत लोग हैं, बाबाएं हैं, उन्होंने पूरे शरीर पर भस्म रमाना शुरू कर दिया और शंकर जी की मूर्ति में भी भस्म लगा दी। वो कोई भस्म लगाने से कुछ नहीं होगा। क्या करना है? अपने देह अभिमान को, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को क्या करो? भस्म कर दो योग अग्नि में। और बाबा दिल्ली को ही राजधानी क्यों बताया बाबा ने? ज्ञान अभी मूल्य में सारी दुनिया दिल्ली के ऊपर फिदा होती है। दुनिया में कोई ऐसा धर्म है जिसने दिल्ली के ऊपर राज्य न किया हो? एक दिल्ली ही एक ऐसा शहर है दुनिया में जिस शहर के ऊपर सारी दुनिया ने राज्य किया है। सारी दुनिया के धर्मावलंबी दिल्ली की गोद में आकर के राज्य करते हैं, जैसे अम्मा की गोद में बच्चा राज्य करता है। तो दिल्ली सारी दुनिया की अम्मा है। वो दिल्ली है जड़, कोई चैतन्य अम्मा भी है जो सारी दुनिया की अम्मा अर्थात जगदम्बा बनती है, सारे जगत की अम्मा। उसकी गोद में सारे जगत के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आकर के राज्य करते हैं, खेलते हैं, खेल खेलते हैं। तो दिल्ली ही एक ऐसी कैपिटल है, दिल्ली के ऊपर सब फिदा होते हैं। तो बाप भी आकर दिल्ली को और फिदा होता है। दिल्ली सबका दिल लेने वाली है, तो बाप भी दिल वाला बनता है। लड़की ज्ञान में चलती है, शादी कर रही है, हमें कितना पाप लगे। लड़की ज्ञान में चलती है और शादी कर रही है, हाँ? ज्ञान में चलने के बाद बच्ची कर ली तो बाप का बच्चा ही नहीं बने। अगर कोई आत्मा ने, कोई कन्या ने बट्टी की नहीं, बट्टी का मतलब है भगवान बाप के घर में जाके जन्म लेना,
कोई आत्मा बच्चा बनती है बाप का, तो पूर्व जन्म को त्याग करके शरीर को नए जन्म में आकर के बाप के घर में जन्म लेती है, तभी तो बच्चा बनती है। तो ऐसे ही यहाँ भी वो 9 महीने की जगह 9 दिन की भट्टी है, 1 दिन जाना 1 दिन आना और 7 दिन की भट्टी। जैसे गर्भ में दुनिया से कनेक्शन कट हो जाता है आत्मा का, गर्भ में जब आत्मा जाती है तो दुनिया से कनेक्शन रहता है, है? नहीं रहता। पेट के अंदर ही सारी प्राप्ति उसको होती है, तो वही खाना, वही पीना, वही सोना, वही रहना, वही मस्त रहना। ये 9 दिन की भट्टी जो करता है वो फिर बाप के घर में आत्मा बनकर के जन्म लेता है, बाप का बच्चा बन जाता है। तो बाप का बच्चा बने फिर शादी करे तो पाप तो जरूर लगेगा। बाबा लड़की सुमन हाँ जी बाबा सूर्य की माँ कौन है? बाबा है सूर्य की माँ, सूर्य की अम्मा कौन है? अच्छा सूर्य कौन है पहले तो ये बताओ, सूर्य कौन है? ये बाद ही बोला थे कि तुम जा पूछियो कि सूर्य की माँ कौन है। अरे सूर्य कौन है पहले ये तो बताओ। हैं? सूर्य बाप है ना, तो बाप का कोई बाप होता है? तो जब बाप ही नहीं होता तो अम्मा कहाँ से होगी? वो तो सबका बाप है, जो सबका बाप है उसका कोई बाप नहीं होता। बाबा सुमन की शादी हो गई, उनकी पिताजी ज्ञान में नहीं है, तो हम ज्ञान है तो हम क्या करें? उन्हें खराब उन्हें भी भर्ती करें। अबे जाओ क्या, तो एक और मोड़ी की शादी हो गई। अब उनकी पिताजी नहीं माने तब क्या करें बाबा? ज्ञान में नहीं, वो अपने को छुड़ाना चाहती है तो छोटी वाली का नाम क्यों ले? उनको कुछ छुड़ाना चाहिए, हम क्या करें? उनकी पिताजी तो यही नहीं है बाबा ज्ञान। अरे तुम उस कन्या को सत्संग में कितनी बार ले गई? बाबा बहुत डरती हैं जी सबसे। फिर हम तो इनसे परेशान, मैं बपुरा बूढ़न मरा रहा किनारे बैठ, जिन खोजा तिन पाइया। अरे गहरे सागर में जो उतरेंगे वो रतन प्राप्त करेंगे, और डरते रहेंगे किनारे बैठ रहे, अरे हम डूब जाएंगे, पता नहीं जाने क्या हो जाएगा। पीछे बैठी बाबा इनकी लड़की बैठी है। चलो बाबा है अष्टदेव और पांडव में क्या अंतर है? अष्टदेव और पांडव में क्या अंतर? जो अष्टदेव हैं उनमें दूसरे धर्म के पूर्वज भी हैं, और जो 5 पांडव हैं वो सब स्वदेशी हैं, विदेशी नहीं है। या तो सूर्यवंशी हैं, या तो चंद्रवंशी हैं, या तो बौद्धिवंशी हैं, या तो सन्यासवंशी हैं, या तो सिखवंशी हैं। 5 भारतीय धर्मों की आत्माएं हैं, उनको 5 पांडव कहा जाता है। उनमें भी 3 पांडव अलग और 2 पांडव अलग। जो 2 पांडव अलग हैं, वो मंदबुद्धि माता के बच्चे हैं, माद्री। और जो 3 पांडव पावरफुल हैं, वो कुंती के पुत्र हैं। और बाबा जो नास्तिक धर्म है आखिर में उनको भी तो बाप का परिचय मिलेगा ना? हाँ बिल्कुल मिलेगा, फिर पुरुषार्थ क्या कर पाएंगे? जब है तब बम चारों तरफ फटने लगे, आज इस शहर में फटा, कल उस शहर में फटा, रोज टीवी में आ रहा है, आज मास्को बर्बाद हो गया, कल न्यूयॉर्क बर्बाद हो गया, परसों वाशिंगटन बर्बाद हो गया, कराची बर्बाद हो गई, इस्लामाबाद बर्बाद हो गया, खाक बन गया। तो उस समय बुद्धि ज्ञान लेने में चलेगी या अशांति में आ जाएगी?
शांति में आ गई। तो वो है आखिरी धर्म। तो आखिर में भगवान बाप को पहचाना तो क्या हुआ, प्राप्ति क्या करेगा? अरे जो पहले पहचानेंगे वो पहले प्राप्ति करेंगे, बाद में पहचानेंगे बाद में प्राप्ति करेंगे। बाबा हाँ जी, शंकर जी ने अपने पुत्र का गला क्यों काट दिया था? ओहो शंकर जी का पुत्र था या वो अम्मा का पुत्र था? तो तुम झूठ क्यों बोलती हो? ये मत कहो शंकर जी ने अपने पुत्र का गला काट दिया, ये नहीं कहना, ये कहो कि शंकर जी ने पार्वती के पुत्र का गला काट दिया। इसलिए काट दिया कि पार्वती ने उस बच्चे को अपनी मैल माटी जो निकली ना गंध, उस गंध से तैयार किया, तो उसकी चमड़ी, उसकी देह कैसी होनी चाहिए? सबसे ज्यादा खराब देह किसकी होती है, चमड़ी किसकी खराब होती है? हाथी की। तो शंकर जी ने कहा इसका गला काट देंगे तो इसको हाथी का मुंह मिल जाएगा। क्या? तो सब कोई जान जाएगा कि ये कैसा है। तो बाबा गणेश जी शंकर के पुत्र नहीं? अरे पार्वती ने उनको बनाया या शंकर जी ने बीज डाला? फिर वो अम्मा का पुत्र है। कोई बच्चा कहे मैं अम्मा का पुत्र हूँ, जैसे आजकल कहते मैं ब्रह्मा कुमार हूँ, मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, एक ब्रह्मा कुमारी संप्रदाय भी है, तो उनसे पूछो तो वो कहेंगे मैं ब्रह्मा का कुमार हूँ, ब्रह्मा कुमारी हूँ। बार बार पूछो तो यही जवाब देते हैं, हम ब्रह्मा कुमार हैं, ब्रह्मा कुमारी है। अरे भाई तुम्हारा अम्मा अम्मा तो चिल्ला रहे, तुम्हारा बाप कौन है? तो चुप हो जाए। तो दुनिया में ये बात अच्छी समझते हैं या बुरी समझते हैं? अरे कोई बच्चा अपनी माँ का नाम बार बार बताए और बाप का नाम न बताए तो लोग अच्छा समझेंगे या बुरा समझेंगे? लोगों को शक पैदा होगा कि नहीं? अरे बोलते क्या नहीं है? शक पैदा होगा, अरे पता नहीं ये वैश्या पुत्र तो नहीं है, इसलिए अपने बाप का नाम नहीं बताता है। दुनिया भर की बातें बुद्धि में लाएंगे। तो अकेली अम्मा का पुत्र होना अच्छा या अम्मा बाप दोनों का पुत्र होना अच्छा? और जब किसी से पूछा जाता है तुम किसके बच्चे हो तो बाप का नाम बताया जाता है या अम्मा का नाम बताया जाता है? जो बीज डालता है उसी को फल मिलता है। किसान बीज बोता है तो काटता भी है, तो बाप बीज बोने वाला है तो बाप का पहले बच्चा होना चाहिए। तो गणेश जी बाप के बच्चे नहीं थे इसलिए उनको जानवर का चेहरा लगा दिया। और बाबा ललितपुर में एक माता जी है, उनके मतलब ये को बहुत विरोध करते और ज्ञान भी सुनते, मुरली भी सुनते थे, पर अब नहीं सुनते। और वो मतलब कहते कि ज्ञान की बातें ऐसी बुद्धि में भर गई उनकी कि उनकी समझ में नहीं आता, बोलते कि ऐसा कैसा ज्ञान है कि हमारी समझ में नहीं आता। और बाबा मतलब हमसे कहते यानी कि सीमा माता जी से कि तुम लोगों ने हमारी जिंदगी में आग लगा दी, मतलब ये ज्ञान कैसा है कि हमारी समझ में नहीं आता। उनसे बताओ बिन गुरु होए कि ज्ञान, ज्ञान की होए विराग बिनु, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। और अपनी औरत को आजकल कलयुग में कोई गुरु मानता नहीं है, तो उनको बताओ कि जब तक जाकर के सीखोगे नहीं तो कहीं जाने के लिए तैयार नहीं है। बाबा उनसे कहा कि आप भोपाल चलो, सीहोर चलो, या फिर कोई, तो कहते कि हमें यही ज्ञान सुनवाओ और माफी मंगाओ। और सबसे मतलब हमने ज्ञान सुनाया और तेजाब ज्ञान सुनाया, लेकिन इन लोगों से माफी मंगवाओ, सही ज्ञान नहीं सुनाया।
या फिर ज्ञान ऐसा कैसा ज्ञान है कि हमारी बुद्धि में नहीं बैठता? ऐसा है हर आत्मा हर एक का बच्चा बन सकती है, है? बन सकती है कि नहीं बन सकती है? नहीं बनेगी। उस आत्मा का जिसके साथ हिसाब किताब होगा उसी से ज्ञान सुनेगा। बाबा कभी कभी कहते हैं कि घर में संगठन करो, हर हफ्ते में संगठन करो, तुम ज्ञान में चलो, और सीढ़ियां वापस कर दी और जो कैलेंडर है वो घर में टांगे, और सुबह सुबह 2 बजे उठ के योग भी लगा दी, दोनों जन कहते हमारे साथ बैठ के योग लगाओ। यहाँ सभा में बैठ करके ज्ञान की बातें करो, किसी व्यक्ति की बात मत करो। नहीं तो बाबा उन्हें कैसे ज्ञान समझ में आएगा? वो अलग से पूछो। अलग से बात जो पूछने की होती है वो व्यक्तिगत बात होती है। सभा में जो ज्ञान की बातें हैं वो पूछो। हाँ जी, हमारे घर के तुमसे है? तो वे कहते हैं हमें पूछो, हम लोग पूछते नहीं है, तो कहते हैं हम तुम्हारे घर का विनाश कर देंगे। ठीक, क्योंकि बुद्धि छीन लेंगे। हाँ, तो वो क्या विनाश कर देंगे? हम तो यहाँ तो पहले से ही बताते हैं दुनिया का विनाश होने वाला है। बोलती है हमको जल चढ़ाओ, आप लोग इधर आओ, हमको आप लोग ज्ञान में चलती तो हमें क्यों छोड़ दिया? जो भूत प्रेत आत्माएं होती हैं वो शाप देती हैं, जो देव आत्माएं होती हैं वो वरदान देती हैं। तुम उनको अच्छी अच्छी बातें बोलो, ज्ञान की बातें सुनाओ, वो चाहे जो कुछ बोलती रहे। हाँ जी, जो गीत आते थे जो गीत दराजन कहाँ चले गए है? जो गीत आते थे गीत जन कहाँ चले गए? गीत गीत जो थे वो तो कहाँ चले गए? गीतराज जो थे। अच्छा अच्छा अच्छा, रामायण सुनी है बहुत। गिद्ध दृष्टि बहुत प्रसिद्ध है। गिद्ध की जो दृष्टि है बहुत दूर का देख लेती है। उसका नाम पड़ता है जटायु। कैसी आयु वाला? जिसको जटाएं पड़ गईं, माने बहुत पुराना राजयोगी है, ज्ञानी है, और वो सीता को बचाने का प्रयत्न करता है, रावण से लड़ाई लड़ता है। ऐसी मनुष्य आत्मा उसको गिद्ध के समान बताया है, दूर की दृष्टि देखती है। दृष्टि बहुत तीखी होती है, तीसरा नेत्र तीखा होता है। उसने पहचान लिया कि रावण कोई साधु नहीं है, ये तो असुर है, राक्षस है, इसलिए टकरा गया। वो कोई गिद्ध पक्षी नहीं था, उसके पंख काट दिए रावण ने, अर्थात ज्ञान योग के पंख उसके कतर दिए। ये माया रावण ऐसी चीज है जो अच्छे अच्छे पुराने पुराने बच्चों के ज्ञान योग के पंख कतर देती है। और है रुको 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 रो, कोई बच्ची आगे पहले पूछ रही है तुमसे। हाँ बोलो, पूछो। बाबा जो असुर होते हैं तपस्या करते हैं तो अमर का वरदान क्यों मांगते हैं दादा? क्योंकि वो हमेशा मरते रहते हैं, तो सोचते हैं अगर हम एक बार एक असुर कोई ऐसा हो जाए तैयार जो अमरता का वरदान ले ले,
तो देवताओं पर हमेशा जीत पाता रहेगा, इसलिए वो अमरता का वरदान मांगते हैं। देवताएं तो होते ही है अमर, उनको वो अमरता का वरदान मांगने की क्या दरकार। हाँ जी त्रिमूर्ति में धर्म बाबा दाढ़ी मूछ वाले को भी दिखाते हैं। त्रिमूर्ति में भक्ति मार्ग में, भक्ति मार्ग में दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा दिखाते हैं। टीवी देखो, टीवी टीवी में तुम्हें दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा भी दिखाई पड़ेगा। त्रिमूर्ति का चित्र बोल रहे हैं। हाँ पोस्टर में बोल रहे हैं, क्यों नहीं दिखा रहे हैं? मूछ नहीं है, झूठ बोलती है, है? अरे मूछ है कि नहीं है, झूठ बोलते हैं। और हाँ उठ जात, लेकिन का होत उठ जात, लेकिन जोग ना लगत। तो जोग मत लगाओ, जोग मत लगाया करो, याद किया करो। जो चीज आँखों से देखी जाती है, बुद्धि से समझी जाती है, उसे याद किया जा सकता है। हाँ जी खांसी है, ठंडा पिलाती चली जा रही। हाँ जी पीछे कौन बोल रहा था? बाबा हमें रात के बाद आकर है, रात को का हो दिखाती बाबा इनके लिए सपने में। औरतें दिखती है, वो ये बोल रही है। तो औरतें देखने में आती है तो खराब क्या हुआ? भगवान बाप तो माताओं का उद्धार पहले करते हैं। भगवान बाप आते ही हैं धरणी माता का उद्धार करने के लिए। तो तुम माताओं के बीच में रहो तो अच्छी बात है ना। ओम शांति।